देखिए कंगना जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, नेपोटिज्म ग्रुपिज्म के बारे में बोला, लेकिन धीरे धीरे कंगना रनावत अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने लगी, लोगों से लड़ाई झगड़े निकालने लगी, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, चाहे मुंबई को पोक कह देना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नो गाइज आई नो वेरी वेल बट मैं उसको नहीं बताना चाहती थी, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसका मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मुझे मीडिया से भी ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि अगर उसको हराम खोर बोल दिया तो वो देश की बेटी बन जाती है, और अगर उर्मिला मातोंडकर को वो या तो ग्रेट की बात करती है कि पहले ये बात करती थी कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने फ्लॉप एक्टर कहकर मार दिया, अब तुम क्या कर रही हो, तुम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उर्मिला मातोंडकर, वो जन्म भी नहीं ली होंगी तब से वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनको उन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल दिया, बी ग्रेड आर्टिस्ट बोल दिया, तो मुझे इसकी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर्सनल ग्रजेस बहुत निकालती है, जैसा अपनी बात करती है तो अपनी बात में वो अपने आप को देश की बेटी साबित कर देती है, या फिर अभी ये फार्मर प्रोटेस्ट में उसने फार्मर के लोगों को उसने टेररिज्म का टेररिस्ट बोल दिया, तो वो क्या बोलती है क्या करती है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे थोड़ा सा उसका दिमाग आई डोंट नो, लेकिन वो अपने जब अपने ऊपर आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो देश की बेटी कैसे हो जाती है, क्या उर्मिला मातोंडकर देश की बेटी नहीं है। उर्मिला मातोंडकर के बारे में उसने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे डाले, अगर कोई और अगर उसके साथ ऐसा कर देता तो वो हल्ला मचा देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सो आई डोंट लाइक, इस वे में मैं उनको पसंद नहीं करती। बाकी सुशांत के लिए जो किया उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी जो वो पर्सनल ग्रजेस और पॉलिटिकल लेवल पे लेकर जा रही है वो गलत है।